नमस्कार, हम हॉर्टिकल्चर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे। आज की क्लास में शुरू करते हैं अनार। चलिए, अनार को इंग्लिश में बोलते हैं पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट साइंटिफिक नेम प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम लिखते जाइएगा डायरेक्ट। प्यूनिकेसी फैमिली, प्यूनिकेसी फैमिली। इसके फ्रूट को बलास्टा कहते हैं, बलास्टा। ओरिजिन ईरान। 2n = 18। क्या क्या? प्यूनिका ग्रेनेटम साइंटिफिक नेम प्यूनिकेसी फैमिली, बलास्टा फ्रूट टाइप है, बलास्टा फ्रूट टाइप। ईरान ओरिजिन एंड क्रोमोजोम नंबर 2n = 18। जूसी सीड कोट है एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट के बारे में हमने जनरल हॉर्टिकल्चर की क्लासेस में देख चुके हैं। एडिबल पार्ट है जूसी, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फल किसे कहते हैं? जिस जो मीठा हो, नॉन क्लाइमेट्रिक। जो खट्टा हो, कसैला हो, नॉन क्लाइमेट्रिक। ये नॉन क्लाइमेट्रिक है। इसमें प्रोटोगाइनी पाया जाता है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ चुका है। प्रोटोगाइनी मतलब क्या? जिसमें गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाए एंड्रोसियम के कंपेयर में। ये कोल क्रॉप्स, जितने भी कोल क्रॉप्स इनमें प्रोटोगाइनी ही पाया जाता है, कोल क्रॉप्स। ओके, अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस अनार की इन्फ्लोरेसेंस को हाइपनथोडियम बोला जाता है। हाइपनथोडियम सर्वाधिक एरिया भारत में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कसैलापन, अनार में जो कसैलापन होता है ये टैनिन के कारण होता है। टैनिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके कारण कसैलापन होता है। टीएसएस को हमने पहले भी पढ़ा है। टीएसएस को किससे मापते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस मापा जाता है। टीएसएस 12.6 डिग्री ब्रिक्स। ब्रिक्स यूनिट इसकी यूनिट होती है, टीएसएस की यूनिट ब्रिक्स। आगे देखते हैं, इसमें एनिमोफिलिक पॉलिनेशन होता है। एनिमोफिलिक मतलब एयर के द्वारा। हार्डवुड कटिंग प्रोपगेशन मेथड, हार्डवुड कटिंग एयर लेयरिंग भी किया जाता है। अगर स्पेसिंग देखें, स्पेसिंग 6x6 meter square। हमने पूरे फ्रूट का स्पेसिंग जनरल एग्रीकल्चर के जनरल हॉर्टिकल्चर के क्लासेस में कवर कर चुके हैं। ये पीएच 7-9, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। भंडारण स्टोरेज के टाइम, ड्यूरिंग स्टोरेज 5°C टेम्परेचर इज नीडेड फॉर द स्टोरेज। प्रोडक्शन ऑफ अनार क्रॉप, प्रोडक्शन 60-70 kg पर प्लांट इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ पोमग्रेनेट इज 60-70 kg पर प्लांट। बहार हमने पढ़ा था, अमरूद में पढ़ चुके हैं। क्या बताया था अमरूद में? अम्बे बहार, मृग बहार, हस्क बहार, ये फ्लावरिंग को नियंत्रण करता है बहार। अनार में भी देखा जाए, अनार में देखते हैं कौन से टाइम में किस प्रकार की बहार देखा जाता है। इसमें बहार नियंत्रण किसमें किया जाता है? बहार नियंत्रण किया जाता है अमरूद में, अमरूद, अनार एवं नींबू वर्गीय फल में बहार नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि जो अंबे बहार इस टाइम के फलों का डिमांड सबसे ज्यादा होता है। डिमांड हाई किसका? फल। ओके, मृग बहार की बात करें तो इसमें फ्रूट क्रेकिंग की समस्या आती है। फ्रूट क्रेकिंग
क्वेश्चन यहीं से कभी उठ के आ जाता है कि अनार के केस में सबसे ज्यादा फ्रूट केकिंग की समस्या कौन से बाहर में आता है, तो वो क्या है आंसर, मृग बाहर। अगला, अब चलिए देखते हैं वैरायटी, सबसे इंपॉर्टेंट है वैरायटी। फ्रूट क्रॉप में हॉर्टिकल्चर में वैरायटी का बहुत ही बड़ा रोल है। देखते हैं अमली दाना, जाना पहचाना वैरायटी है अमली दाना। अमली दाना किसके किसके क्रॉप्स में बना है, गणेश क्रॉस नन्हा, गणेश क्रॉस नन्हा, ये कहाँ से है, IIHR से डेवलप्ड है। रूबी, रूबी आपने देखा है पूसा रूबी टमाटर की किस्म, रूबी इधर रूबी है, ये भी IIHR से डेवलप्ड है। जलौर सीडलेस, जलौर सीडलेस, ढोलका, ढोलका ये गुजरात का प्रसिद्ध है, गुजरात में प्रसिद्ध ढोलका। ढोलका के बाद बात करते हैं गणेश, गणेश मृदुला, मृदुला अगर पूछ ले मृदुला किसका किसका क्रॉस है, तो गणेश क्रॉस गुले शाही, गुले सा, भगवा मृदुला, भगवा ढोलका, इसी को सिंदूरी कहा जाता है, सिंदूरी। ज्योति, ज्योति मृदुला ढोलका कंधारी, कंधारी यहाँ पे देखिएगा जो कंधारी है ये विदेशी किस्म है, क्या है विदेशी किस्म। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विदेशी अनार की कौन सी विदेशी किस्म है, तो क्या है कंधारी। अरक्तता, अरक्ता ये प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है, प्रोसेसिंग के लिए। पेपर सेल, पेपर सेल की बात करें तो सॉफ्ट सीड है इसका, सीड हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। वंडरफुल, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि वंडरफुल किसकी वैरायटी है, वंडरफुल ये यूएसए की किस्म है, यूएसए की। और फ्रूट क्रेकिंग के प्रति सहनशील, फ्रूट क्रेकिंग के प्रति टॉलरेंस वैरायटी देखते हैं, तो इसमें आता है कंधारी, कंधारी एंड आलंदी, कंधारी एंड आलंदी। और इसी के साथ अनार की क्लास खत्म। हमने देखा वैरायटी क्या, मृदुला ढोलका गणेश कंधारी, इसमें हमने देखा कि विदेशी किस्म कौन सी है कंधारी, हमने देखा यूएसए की किस्म कौन सा है, यूएसए का किस्म है वंडरफुल, प्रोसेसिंग के लिए देखा हमने अरक्ता, अनार, अनार का 2N=18 ईरान है इसका उत्पत्ति स्थान। अनार के बाद अगला क्रॉप हम देखते हैं डेट पाम, देखिए डेट पाम, डेट पाम को खजूर कहा जाता है। खजूर सुनते ही क्या है, सबसे मोस्ट टॉलरेंट ड्रॉट, मोस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप है डेट पाम। अगर हम ड्रॉट टॉलरेंट ओनली क्रॉप की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, बीट रूट चुकंदर। चलिए खजूर की बात करें, फाइनिक्स डेक्टिलीफेरम, फाइनिक्स डेक्टाइली फेरा, इसका सीड का वायबिलिटी 5000 ईयर के आसपास होता है। एरेसी कुल है, एरेसी कुल, ओके ईरान, इराक इसका उत्पत्ति स्थान, इराक। ये सिंगल सीडेड बेरी है, सिंगल सीडेड बेरी, बेरी ये क्या है, फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप। देखिए हॉर्टिकल्चर में आपको फल के प्रकार, खाए जाने वाला भाग प्लस उसका इन्फ्लोरेसेंस वैरायटी, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। यह एक C4 प्लांट है, C4 प्लांट है, ठीक है। देखो याद करने का तरीका, अगर C4 प्लांट हम देखें तो क्या क्या हम जानते हैं, ज्वार बाजरा गन्ना एंड मक्का, ओके। C4 प्लांट जिसका तना, जिसका तना मोटा, जिसका तना मोटा वो C4 होंगे, याद रखिएगा जिसका तना मोटा, इसको बॉक्स बना के लिख लीजिए, MTR मुझे तो रटना ही है, जिसका तना मोटा वो क्या है, C4 प्लांट। C4 आप जान रहे हैं फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन का बना होगा,
ठीक है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फर्स्ट, यह एक क्लाइमेट्रिक है, क्लाइमेट्रिक मतलब हमने क्या बोला कि क्लाइमेटेरिक, क्लाइमेट्रिक फल है, हमने बोला जो मीठा वो क्लाइमेट्रिक, ओके। एकांतर इसमें अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग की समस्या पाई जाती है, ठीक है। अगर इसमें पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता है एयर के द्वारा, एयर के द्वारा, हमने क्या बोला था जितने हाइटेड प्लांट्स हैं उनमें एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ओके। अब इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन तो कैसे कराते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन, व्हाट इट मीन, इट मीन्स वी कैरी पॉलिन, हम हाथ में पॉलिन को लेंगे और डायरेक्ट फीमेल पार्ट में छिड़काव कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे, इसको हीट यूनिट मतलब कितनी ऊष्मा की जरूरत चाहिए, इसे 3300 घंटे ऊष्मा की जरूरत चाहिए। ताड़ी, खजूर से ताड़ी, यह एक पेय पदार्थ है, यह एक पेय पदार्थ है ताड़ी, ताड़ी बनता है किससे, खजूर से बनता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 68% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 68% कार्बोहाइड्रेट, जबकि केला के केस में 36.5% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है डेट पाम, ओके। एक केजी डेट पाम से हमें 3150 कैलोरी एनर्जी मिलता है, कैलोरी एनर्जी मींस वी डिराइव्ड 3150 कैलोरी एनर्जी फ्रॉम 1 kg ऑफ डेट पाम, ओके। सॉइल की बात करें, किस टाइप की सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल, लोमी सॉइल इज बेस्ट, पीएच 8.5 पीएच, स्पेसिंग 6x6 meter square, ऑफशूट, इसमें जो ऑफशूट प्रोपगेशन ऑफशूट के द्वारा होता है, ऑफशूट का वजन अगर देखें हम तो 12 से 15 केजी ऑफशूट का वजन, ओके। अगर इसमें तोड़ने की विधि, देखिए ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ ले, ज़्यादा डीप पूछ ले, तब आप इसे याद रख लीजिएगा, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए कि खजूर में तोड़ने की कौन कौन सी विधि है। देखिए क्या क्या है, पहला है गंडोरा, गंडोरा ऊपर लिख लीजिएगा, तोड़ने की विधि, तोड़ने की विधि, तोड़ने की विधि नहीं, तोड़ने की अवस्थाएं लिखिएगा, तोड़ने की अवस्थाएं, जैसे टमाटर में आपने देखा है, टमाटर में आप देखें कि पिंक स्टेज में, राइपन स्टेज में, ये सब, तो गंडोरा, गंडोरा कब कहते हैं, जब फल हरा हो, फल क्या हो, हरा हो, तथा मैच्योर्ड हो, मैच्योर्ड हो और कठोर हो, तब अगर तुड़ाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, गंडोरा। डोका कब बोलेंगे, डोका, इसी को खलल भी बोलते हैं, डोका या खलल, कब बोलेंगे, जब फल पूर्ण विकसित हो जाए, पूर्ण विकसित हो जाए, फल पूर्णतया विकसित हो जाए, पीला या लाल रंग का हो, पीला या लाल रंग का हो, तब क्या बोलेंगे, डोका। डेंग की बात करें, डेंग या इसी को बोला जाता है रूतब, यह कब होगा, जब फलों का शीर्ष मतलब टिप, फलों का शीर्ष मुलायम हो, मुलायम हो, तब क्या कहा जाएगा, डेंग या रूतब। पिंड या तमर, पिंड या तमर की अगर बात करें तो पिंड या तमर क्या है, फल पूरा पक जाए, फल पूरा पक जाता है, पक जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, पिंड या तमर।
और इसमें ड्राई भी हो जाता है, सूख जाता है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन मेन यहाँ से आता है, ये तो अगर आ गया तब की बात है, हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है। क्वेश्चन देखते हैं, वैरायटी से आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनता है कि छुहारा बनाने हेतु, छुहारा आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, छुहारा बनाने हेतु वैरायटी कौन कौन से हैं? तो देखिए सिंपल है, खदरावी, खदरावी एंड मेड जून, खदरावी मेड जून एंड सरन, खदरावी मेड जून एंड सरन। अगर हम ताजा खाएंगे, ताजा खाने हेतु फ्रेश फ्रेश फ्रूट की अगर बात करें, ताजा खाएं फ्रेशली एडिबल, तब की बात करें तो हलावी। इसमें क्वेश्चन किसमें से मेन आता है वो मैं बता दूंगा, आप इन्हें भी याद कर लें, खुनेजी एंड बरही। मुलायम किस्में की बात करें, मुलायम सॉफ्ट वैरायटी, सॉफ्ट वैरायटी की बात करें तो हलावी, हलावी खदरावी बरही। कठोर हार्ड वैरायटी की बात करें, क्या क्या है, जाहिदी। आप ये सब पहली बार पढ़ रहे होंगे लेकिन आपको सब कुछ याद नहीं करना है, मैं बताता हूँ क्या क्या है। जूस बनाने के लिए आपको जग जगजून एंड हयानी, क्या है, आप ये सब सुने रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये है किसकी वैरायटी। इसके बाद आता है सर्वाधिक TSS, सर्वाधिक TSS की बात करें तो हलावी 32 से 42% एंड सामरान, सामरान 41%। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, खदरावी मस्कावी पुसा जाइंट किसकी वैरायटी है? तो देखिए खदरावी किसकी वैरायटी है, छुहारा, छुहारा बनाने के लिए डेट पाम की वैरायटी है। ये तो थे, हमने देखा डेट पाम, डेट पाम में क्या देखा, इसमें प्रोटोगाइनी पाया जाता है। प्रोटोगाइनी क्या बताया हमने, कि फीमेल पार्ट सबसे पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट फ्रूट हार्वेस्टिंग के विधि देखे, अवस्थाएं देखे, किस स्टेज में तोड़ी जाती हैं फ्रूट। आगे चलिए बात करते हैं आंवला की, आंवला, आंवला के बारे में क्या जानते हैं? विटामिन सी की बात करें तो बारबडीज चेरी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर आंवला में पाया जाता है। चलिए आंवला लिखते जाइए, आंवला क्या है, आंवला की बात करें लिखते जाइए, लिखिए चलिए। एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस इसका साइंटिफिक नेम है, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस। U4BAC फैमिली है, फैमिली U4BAC। इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया ओरिजिन है, 2N=28। आपने देखा था अभी खजूर के केस में 2N=18 था, है कि नहीं? चलिए मैं लिखा ही देता हूँ क्योंकि आपको लिखने में तकलीफ ना हो, लिखिए जल्दी जल्दी करिएगा, मैं जल्दी जल्दी क्लासेस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कंटिन्यू क्लासेस करना पड़ रहा है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे यहाँ। इस अभी मैं 3 क्लास लेके आ रहा हूँ, उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद अभी कंटिन्यू ही करेंगे। अमेरिका ऑफिसिनालिस, चलिए चलिए ऑफिसिनालिस, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस या फिर फाइलेंथस एम्बेलिका, फाइलेंथस एम्बेलिका, एम्बेलिका ये है साइंटिफिक नेम। फैमिली की बात करें तो U4BAC, U4BAC फैमिली है U4BAC। और किसका किसका है, अरंडी एंड रतन जोत का भी है, जेट्रोफा कर्कस, ठीक है। इंडिया इसका ओरिजिन है, इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया, ओके। 2N=28, इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंवला को इंडियन, इंडियन गूजबेरी, इंडियन गूजबेरी के नाम से जाना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का है।
इंडियन गूजबेरी के नाम से कौन से फल को जाना जाता है? आंवला को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मलान का पौधा भी कहा जाता है, मलान का पौधा। ओके, अगर फ्रूट टाइप की बात करें, फ्रूट टाइप है कैप्सूल। हमने ये कहाँ देखा था? भिंडी में भी देखा। अच्छा चलिए, आप भिंडी की बात करें तो परभानी क्रांति आप जानते हैं, भिंडी से रिलेटेड है। एक चीज आपको बता दिया मैंने, है कि नहीं? ये किस में देखा जाता है? भिंडी में, आंवला में, कपास में, तिल में। चलो तिल बोल दिए, तो तिल को इंग्लिश में सीसम बोलते हैं। इसका फैमिली पेडालियेसी है। ठीक है, रतन जूत एंड चुकंदर, ये सबके फ्रूट को क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है, लिख लीजिएगा। खाने योग्य भाग की बात करें तो मेजोकार्प प्लस एंडोकार्प, ये दोनों चीज खाने वाले भाग हैं। ये स्पोरोफाइटिक पाई जाती है। हमने क्या पढ़ा था? पार्थेनोकार्पी पढ़ा था। पार्थेनोकार्पी दो प्रकार, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। तो आंवला और आम के केस में, ये हम जब आम की क्लास देख रहे थे तब भी देखे थे कि आंवला एंड आम के केस में स्पोरोफाइटिक पाया जाता है। यह एक नॉन क्लाइमेट्रिक है। बार बार मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार और कि जो फल कसैला या कड़वा हो, क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। अब सबसे ज्यादा अगर पाला हानिकारक, मतलब अगर पाला गिरे तो सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट क्रॉप को अफेक्ट पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा पड़ेगा पपीता, उसके बाद आंवला। ठीक है, मींस फ्रॉस्ट ससेप्टिबल है। आगे देखते हैं, हमने ये पढ़ ही लिया है कि सबसे ज्यादा सॉल्ट टॉलरेंट है। विटामिन सी पाया जाता है इसमें, कितना? 700 विटामिन सी, 700 mg प्रति 100 ग्राम। ठीक है, अगर फ्लावरिंग का टाइम की बात करें, फ्लावरिंग टाइम फरवरी से लेके मार्च तक, फरवरी टू मार्च बसंत के मौसम में फ्लावरिंग होता है। ठीक, पीएच, चलिए पीएच 6.5 टू 7, 9.5। वैरायटी सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर फ्रूट क्रॉप में आपको वैरायटी ही याद करना है। चलो मैं जल्दी बताता हूँ क्या है ये। चकैया, ये इसमें नेक्रोसिस बीमारी नहीं होता। ठीक है, चकैया। बनारसी की बात करें तो ये अगेती है, अगेती मतलब अर्ली वैरायटी है। ठीक है, मुरब्बा के लिए सुटेबल है, बेस्ट है। मुरब्बा आप खाते हैं उसके लिए बेस्ट है बनारसी आंवला की। कृष्णा नीलम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बार बार हर साल पूछा जा रहा है कि हाथी झूल किसे कहा जाता है? फ्रांसिस को कहा जाता है। ठीक है, इसमें स्पॉन्जी टिशू डिसऑर्डर आपने मैंगो के केस में देखा। स्पॉन्जी टिशू डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होता है आपके फ्रांसिस वैरायटी में। ठीक, थोड़ा सा और वैरायटी बाकी है, चलिए देखते हैं क्या है और वैरायटी। आगे वैरायटी देखते हैं, इम्पॉर्टेंट तो यही थे। अब प्रोपागेशन की बात करें, आंवला में प्रोपागेशन की बात करें, पैच बडिंग से प्रोपागेशन होता है। पैच बडिंग हमने देखा था, मैं जनरल हॉर्टिकल्चर के क्लास में बता चुका हूँ कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स ऑफ प्रोपागेशन क्या क्या हैं, कैसे करते हैं। चलिए, स्पेसिंग 8x8 meter, अभी तक हमने पढ़ते आया 6x6 meter square, यहाँ 8x8। अगर प्रोपागेशन की टाइम देखें, क्या है प्रोपागेशन टाइम, तो फरवरी से मार्च एंड जून टू सितंबर, ये है प्रोपागेशन टाइम। ठीक है, और
मोडिफाइड मोडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम सिस्टम, ये क्या होता है? मोडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम प्रूनिंग करने की प्रूनिंग करने का तरीका प्रूनिंग करने का मेथड आंवला में। और इसी के साथ आंवला की क्लास खत्म। आगे हम देखेंगे ग्रेप। अगले क्लास में हम क्या देखेंगे? ग्रेप। ठीक है, ग्रेप के बाद हम कोशिश करेंगे कि दो लेक्चर में हॉर्टिकल्चर के फ्रूट क्रॉप खत्म, फिर हम शुरू करेंगे आपका एग्रोनॉमी का कुछ पार्ट बाकी रह गया था, जनरल एग्रोनॉमी दो तीन लेक्चर में खत्म, फिर एक्सटेंशन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।